नमस्कार दोस्तों, ए न्यू थिंक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेक्नो कैमल 17। तो इसका कैमरा रिव्यू अभी रह गया था, इसकी अनबॉक्सिंग हमने कर दी, इसका जो ड्रेन टेस्ट था वो भी हमने कर दिया, तो सिर्फ कैमरा टेस्ट इसका बचा है, तो वो भी हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब कुछ फैसला लीजिएगा आपको ये फ़ोन लेना है या नहीं लेना है। तो क्वालिटी मैं इसमें बताऊंगा इस कैमरे की कैसी है, लो लाइट में और डे में नाइट में किस तरह से ये फ़ोटो क्लिक करता है, पूरी जानकारी आपको दूंगा, तभी आप इस फ़ोन को लीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो फ़ोटो दिख रही होगी वो अभी नाइट में क्लिक की हुई है और ये फ्लैश के साथ है, तो आप देख सकते हो फ़ोटो कैसी आई है। आप जूम क्वालिटी देख सकते हो, उसकी जो डिटेल्स हैं वो ठीक ठाक हैं, इतनी बेकार नहीं है। ओके, तो ये इसके बैक कैमरा से है जो 64 MP कैमरा है। तो यहाँ पर आप दूसरी पिक्चर देख रहे हो जो मैंने थोड़ा दूर से ली है, तो इसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें जो है आपको डिटेल्स थोड़ी सी कम नज़र आ रही होंगी, तो दूर से अगर आप फ़ोटो लेते हो 64 MP उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाता। और हम आपको दूसरी फ़ोटो दिखाते हैं जो हमने एक और फ़ोटो क्लिक की है, दोस्तों ये जो फ़ोटो है ये हमने पोर्ट्रेट मोड पर क्लिक की है, तो फ़ोटो काफ़ी अच्छी आई है। दोस्तों, इसमें जो है बैकग्राउंड जो ब्लर हुई है वो काफ़ी अच्छा है और डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है इसमें। दोस्तों, अब हम आपको एक सेल्फी दिखाएंगे जो मैंने अपने रूम में बैठ के ये क्लिक की है, और ये फ़ोटो भी 8 से 9 बजे के बीच की है, तो आप देख सकते हो ये फ़ोटो कैसी आई है। मैं आपको इसे भी जूम करके दिखाता हूँ, तो डिटेल्स उतनी अच्छी नहीं है इसमें भी। तो एक फ़ोटो और क्लिक किया है मैं, वो भी दिखाता हूँ। तो ये थोड़ा सा मैंने फ्लैश के साथ किया, क्योंकि इसमें फ्रंट में आपको एक फ्लैश लाइट मिल जाती है, तो ये फ्लैश के साथ है। और ये फ़ोटो में थोड़ी डिटेल ठीक है, मगर इसमें जो है थोड़ा वाइट वाइट सा आपको नज़र आ रहा होगा। चलिए अगली फ़ोटो की तरफ चलते हैं, जो हमने और भी नाइट में क्लिक की है अपनी छत पर। तो ये जो फ़ोटो है ये हमने अपनी छत पर क्लिक की है, और ये बिल्कुल मतलब अंधेरा था, इतना भी उजाला नहीं था। जहाँ पर लाइटें हैं वहाँ आपको लाइटें दिख रही होंगी, तो वही लाइटें इसमें दिखाई भी दे रही हैं। अब हम इसका नाइट मोड यूज करते हैं। ये हमने इसका नाइट मोड यूज़ किया, तो आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा होगा किस तरीके से अच्छी फ़ोटो आई है, मगर डिटेल्स उतनी अच्छी नहीं आई हैं। ये इसमें नहीं है, तो ज़्यादातर सब में नाइट की फ़ोटो में प्रॉब्लम हो जाता है इस रेंज में। ओके, हम आपको एक और फ़ोटो दिखाते हैं। ये फ़ोटो हमने क्लिक की है, तो ये फ़ोटो भी ठीक आई है, मगर डिटेल्स इसमें भी कुछ नज़र नहीं आ रही, सिर्फ लाइट दिख रही हैं। तो ये तो हो गया आपका नाइट की फ़ोटो, अगर आप नाइट में फ़ोटो क्लिक करते हो। ओके, अब हम आपको एक सेल्फी दिखाएंगे नाइट की, ये भी छत पर क्लिक की हुई है, तो ये विदाउट फ्लैश है, आप देख सकते हो किस तरीके की फ़ोटो यहाँ पर आई है। तो लाइट है यहाँ पर, इतनी भी लाइट नहीं है, मगर हाँ ये फ़ोटो ऐसी आई है। अब हम आपको इसकी फ्लैश के साथ, जो यहाँ बिल्कुल अंधेरा था और हमने एक फ्लैश जो इसमें सामने फ्रंट में दी गई है उसके साथ ये फ़ोटो क्लिक किया है, तो आप देख सकते हो। तो फ़ोटो में मैं बताऊं तो मुझे पसंद नहीं आई ये वाली फ़ोटो, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही वाइट वाइट कर दिया, और थोड़ा वाइट वाइट भी नज़र आ रहा है यहाँ। तो दोस्तों, ये कुछ फ़ोटोज़ थी इसकी, और हम आपको एक फ़ोटो और दिखाएंगे जो डे में खींची हुई है। अब आप देख सकते हो, इसे आप जूम करोगे तो डिटेल्स कितनी अच्छी आ रही हैं। तो
64 MP है तो थोड़ा अच्छा तो आएगा, मगर फिर भी ये उस तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। अगर आप कैमरे के हिसाब से फ़ोन लेना चाहते हो तो आप देख लीजिए इमेज कैसी आई है। तो दोस्तों अब हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जो हमने इसी से बनाई है, तो वीडियो काफ़ी अच्छी बनी है, इससे ऐसा नहीं है वीडियो बुरी बनी है। 64 MP कैमरा के साथ आता है ये बैक में, तो इतना भी बुरा कैमरा इसका नहीं है। और जो आप मेरे हाथ में फ़ोन देख रहे होंगे, जो रियलमी नार्जो 30 है जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग की है अपने इस पे, अब मैं आपको बता दूं कि कंपेयर में नहीं कर रहा इससे, मगर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका 48 MP कैमरा मुझे उससे अच्छा लगा 64 MP कैमरा से, जिसकी मैं यहाँ पर आपको कैमरा रिव्यू दे रहा हूँ। तो शायद इसका कैमरा रिव्यू मैंने नहीं किया है अपने उस पर, अगर आप चाहते हो कि मैं इसका भी करूँ तो मैं कर दूँगा। तो इसका 48 MP कैमरा है, फ्रंट इसका 16 MP है। दोस्तों मुझे काफ़ी पसंद आया उससे, क्योंकि इसका जो बैक का कैमरा है उसकी फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आती हैं। दोस्तों अगर हम फोटो खींचते हैं तो बैकग्राउंड इतनी मस्त आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ ये मैं बना रहा हूँ Samsung F41 से, तो इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो किस तरीके की आ रही है। तो मैं ज़्यादातर वीडियो जो है अपने सैमसंग के फ़ोन से इसी से बनाता हूँ, क्योंकि कैमरा तो मेरे पास है नहीं, तो मैं इसी से फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ। ओके, तो वीडियो आप देख सकते हो किस तरीके की बन रही है, और मैंने ज़्यादातर वीडियो अपने सैमसंग के फ़ोन से ही बनाई है। तो सैमसंग का फ़ोन ये वाला भी इतना ख़ास महंगा नहीं है, ये आपको 15 के आसपास तक मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये वाला जो फ़ोन है ये भी ज़्यादा महंगा नहीं है, मगर जब लॉन्च हुआ था काफ़ी महंगा था, इस समय ये भी आपको बजट फ़ोन में मिल जाएगा। और ये जो यहाँ पर मैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ ये भी ज़्यादा महंगा नहीं है, ये इन सबसे सस्ता मिल जाएगा। ओके, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कैमरे के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला अच्छा है, इसका कैमरा 48 MP है मगर अच्छा है, और जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी अच्छा है। तो आप सभी को देख लीजिए और उसके बाद सोचिएगा कि आपको यह फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। ओके, तो एक कैमरा रिव्यू था, तो मुझे कैमरे के बारे में बताना ही था, तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं कंपनी की यहाँ बुराई नहीं कर सकता, अभी कैमरा जैसा है मैं ऐसा ही बताऊंगा, आप फोटोज देख सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। तो दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिएगा और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी तरह की कोई वीडियो चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा। और आगे बहुत से सरप्राइज आने वाले हैं जो आपके लिए हैं, अब इतने फ़ोन का मैं क्या करूँगा, तो मुझे गिवअवे भी निकालना पड़ेगा, तो सभी फ़ोन तो मैं नहीं चला सकता, एक ये है, एक ये है, एक टेक्नो कॉमन है जिसकी मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे सभी फ़ोन तो नहीं चला सकता दोस्तों। और भी हो सकता है कि आने वाले समय में मुझे पास और भी फ़ोन आए, तो फ़िलहाल तो यही बहुत हैं, तो मुझे इनकी भी गिवअवे निकालना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि अपने व्यूअर जो हैं उन्हें एक फ़ोन दे दूँ जो मेरी वीडियो देखते हैं और मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। ओके, तो जो भी फ़ोन एक्स्ट्रा होगा मैं ज़रूर दूंगा उन्हें, तो गिवअवे का भी इंतज़ार कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो इतना ही, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और चैनल को आज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में इतना ही, थैंक यू।